Hello, my dear students and lovely friends. You're welcome to Study with Sarab. In this video, we are going to talk about the other topic of chapter is matter around us pure. ये टॉपिक बीच में छूट गया था बट वी आर गोइंग टू डू इट राइट नाउ. इसमें है डिफरेंसेस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन. तीनों के बीच के जो डिफरेंसेस हैं उनकी बात करेंगे. ये तीनों सिर्फ और सिर्फ बेसिकली अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट पे किस हिसाब से डिफरेंशिएट करे गए हैं, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट साइज. सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज है वो ट्रू सॉल्यूशन में सबसे छोटा रहता है, कोलाइडल में ट्रू से थोड़ा बड़ा और सस्पेंशन से थोड़ा छोटा. मींस कोलाइडल पार्टिकल के जो सॉल्यूट्स हैं वो इंटरमीडिएट साइज के रहेंगे, सस्पेंशन से छोटे होंगे सॉल्यूट पार्टिकल और ट्रू सॉल्यूशन से बड़े. और सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, दे आर ऑफ द लार्जेस्ट साइज. अब बात करते हैं इनके नेचर के बारे में. ट्रू सॉल्यूशन इज होमोजीनियस इन नेचर, कोलाइडल हेटरोजीनियस, सस्पेंशन अगेन हेट्रोजीनियस. अब शायद यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो कि कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कैसे हो गए. वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हेट्रोजीनियस है, मतलब जब उनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से चेक किया जाता है एट दैट पॉइंट इन टाइम पता चलता है कि वो हेट्रोजीनियस है. अदरवाइज अगर हम बाहर से देखें तो वो हमें होमोजीनियस ही दिखाई देते हैं. कम टू द थर्ड पॉइंट, ट्रू सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होते हैं. आप एक शुगर सॉल्यूशन बनाइए, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाइए, उसके आसपास आर पार आप देख सकते हो. लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन है दे आर ट्रांसल्यूसेंट. आप मिल्क को देख लीजिए, है ना, उसके दूसरी साइड में अगर देखने की कोशिश करो बहुत हल्का, बहुत कम दिखाई देता है. एंड सस्पेंशन दे आर ओपेक, उनके आर पार नहीं दिखाई देता. ओपेक सॉल्यूशन के दूसरी साइड आप नहीं देख सकते. अगर आपने एक ग्लास ऑफ वाटर में सैंड डाला है तो सैंड के दूसरी तरफ देखना इम्पॉसिबल है. एंड ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं ना तो आप उनको आई से देख सकते हो और ना ही माइक्रोस्कोप से. ये माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी दिखाई नहीं देते. बट व्हेन इट कम्स कोलाइडल सॉल्यूशन यू कैन सी विद माइक्रोस्कोप. नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते, इसीलिए नहीं दिखाई देते सॉल्यूट पार्टिकल्स, इसीलिए हमें ये होमोजीनियस लगते हैं. सो दिस कैन बी सीन ओनली विद द माइक्रोस्कोप. और जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं इनको माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी कैन सी विद द नेक्ड आई, हम आंख से डायरेक्टली देख सकते हैं. अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं ये डोंट सेटल अंडर ग्रेविटी. ये ग्रेविटी के अंडर सेटल नहीं होते क्योंकि ये इतने ज़्यादा मिसिबल हैं, पता ही नहीं चलता है कि हैं. तो ग्रेविटी के अंडर इनकी कोई सेटलिंग नहीं होती, ये मूव नहीं करते. और जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं ये बहुत स्लोली सेटल करते हैं, बहुत धीरे 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 नीचे जाते हैं. इन केस ऑफ सस्पेंशन जो हैवियर पार्टिकल हैं वो फास्टली जाएंगे नीचे, जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो स्लोली जाएंगे. तो दे शो ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के अंडर सेटलिंग जो शो करते हैं फास्टर देन कोलाइडल्स. अब सिक्स्थ है पास थ्रू द फिल्टर पेपर. जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं उनको सेपरेट करने के लिए अगर हम फिल्टर पेपर यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो अलग नहीं हो पाते. क्यों? क्योंकि वो सॉल्यूट पार्टिकल भी साथ में फिल्टर पेपर के बीच में से निकल जाते हैं, वो फिल्टर पेपर के ऊपर चिपकते नहीं हैं, जस्ट पास कर जाते हैं. सो वी कैन नॉट सेपरेट देम थ्रू द फिल्टर पेपर. और अगर हम बात करें कोलाइडल की, ये भी फिल्टर पेपर के बीच में से पास हो जाते हैं. लेकिन अगर हम उससे भी पतला लें, पर्चमेंट मेम्ब्रेन लें, तो पर्चमेंट मेम्ब्रेन की हेल्प से हम कोलाइडल के सॉल्यूट्स को अलग कर सकते हैं. और जो सस्पेंशन है ये फिल्टर पेपर के थ्रू पास नहीं करते. तो जब भी हमें, जैसे कि सैंड की मैंने बात करी थी, सैंड का मिक्सचर हमने लिया, सैंड एंड वाटर का, अगर हमें उसे सेपरेट करना है तो हम फिल्टर पेपर लेंगे तो सैंड फिल्टर पेपर पर रह जाएगा और जो क्लीन वाटर है वो नीचे सेकेंड कंटेनर में हमारे पास आ जाएगा. कम टू द सेवंथ पॉइंट, टिंडल इफेक्ट. ट्रू सॉल्यूशन कैन नेवर शो द टिंडल इफेक्ट. ये टिंडल इफेक्ट कभी शो नहीं करते, बट कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन बोथ दे कैन शो टिंडल इफेक्ट, दोनों शो करते हैं. बट इन केस ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, क्योंकि इनकी ब्राउनियन मूवमेंट नहीं होती, इसी वजह से इनकी ग्रेविटी के अंडर सेटलिंग नहीं होती, ये ब्राउनियन मूवमेंट भी शो नहीं करते. ब्राउनियन मूवमेंट मतलब अपने आप ज़िगज़ैग डायरेक्शन में मूव करना. और ये जो हैं कोलाइडल
स्लाइडर्स ये ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं। तो इन केस ऑफ सस्पेंशन सॉल्यूशन ब्राउनियन मूवमेंट सिर्फ वो पार्टिकल शो करेंगे जो बहुत लाइट हैं और बारीक हैं। फाइन पार्टिकल्स ब्राउनियन मूवमेंट शो करेंगे क्योंकि हैवी पार्टिकल्स डायरेक्टली नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, इसी वजह से सिर्फ फाइन पार्टिकल्स ही ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंसेस इन ट्रू कोलाइडल एंड सस्पेंशन सॉल्यूशंस। सो अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं, कम टू द कॉमेंट सेक्शन एंड स्टे ट्यून्ड विद मी बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।